कितने गाजी आए, कितने चले गए? 2018 की बात है, एक दिन देर रात मैं जनरल रावत साहब उस टाइम पे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, बाद में सीडीएस बने, तो देर रात मैं उनको किसी चीज़ के बारे में ब्रीफ कर रहा था, कश्मीर जाएगा। आई सर यस इज ओके, गो टू कश्मीर एंड डू अ गुड जॉब। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का आईडी ब्लास्ट हुआ, जबकि मुझे सिर्फ महज 4 दिन हुए थे वहाँ पे आए हुए। तो संदीप सिंह ने मुझसे पूछा कि सर अब क्या होगा, तो माई आंसर वाज वी विल गेट द बास्केट्स। एक हिंदी मूवी का बहुत फेमस डायलॉग है, हाउ इज़ द जोश, और ये जैश ए मोहम्मद ने क्योंकि इसको अंजाम दिया था, तो पाकिस्तान के ट्रोल्स और पाकिस्तान के हैंडल्स ने इंडियंस को ट्रोल करना शुरू कर दिया था, इंडियंस को। हमने 100 घंटे के अंदर अंदर इस मॉड्यूल को ख़त्म किया, 100 घंटे के अंदर अंदर मोराल जो था देश का हाउ इज़ द जैश से वापस आया हाउ इज़ द जोश। तो जब मैं से सवाल पूछा गया कि वो गाजी मर गया कि नहीं मर गया, मैं नहीं चाहता था कि मैं इसके ऊपर तवज्जो भी दूँ। दो कड़ी का टेररिस्ट इज मदर, पलटन इज सुप्रीम। पलटन के लिए लड़ेंगे तो अपने आप ही आर्मी के लिए लड़ेंगे, आर्मी के लिए लड़ेंगे तो अपने आप ही देश के लिए लड़ेंगे। मैंने उनको बताया कि आज का पत्थरबाज जो आप सोचते हो 500 रुपये कमा के ला रहा है, आज का पत्थरबाज कल का टेररिस्ट, परसों की डेड बॉडी। चॉइस इज योर्स। जिन माओं के बच्चे वापस आए, जब मैं उनसे मिला तो हाथ पकड़ के, और वो अगले 1 या 2 मिनट तक उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, हाथ को छोड़ा, हाथ को चूमते रहे। इट हर्ट्स। किसी का जवान बच्चा, माँ बाप कितने खुश होते हैं बच्चा पैदा हुआ, मन्नतें मांगते हैं, पीर दगाहों पे जाते हैं और फिर पार्टियाँ देते हैं, यू नो बर्थडे मनाते हैं। वो बच्चा 18-19 साल का होता है, ऐसे किसी एनकाउंटर में गोली खा के मर जाता है। जैसे मैं कोका उसके पास से निकला, जिसको लंगर बोलते हैं जी आमी भाषा में, तो मुझे आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई राइफल कॉक कर रहा है, अपने लोड कर रहा है। तो मुझे लगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे ऊपर फायर करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं वहाँ गया कोका उसके बाहर, तो वो कुक बोल रहा है कि साहब अंदर टेररिस्ट घुसा है। मैंने देखा है वो 6 फुट का पठान और ये दाढ़ी और पठानी सूट, हाथ में हथियार, और बोल रहा है कि साहब मेरी तो राइफल नहीं कॉक हो रही, तो मैंने तो मार लिया होता। एक बच्ची सवाल पूछ रही है और मेरे पास जवाब ही था। इट वॉज अ टेंस मोमेंट।